हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे डेली लाइफ में यूज होने वाले कुछ इंग्लिश वर्ड। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि मैं जो भी कोई वीडियो अपलोड करूं वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम आपको बताएंगे डेली लाइफ में यूज होने वाले कुछ इंग्लिश वर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों अवेयर, अवेयर मीन्स होता दोस्तों जागरूकता। अवेयर मीन्स होता है जागरूकता। जैसे कि इफ़ यू आर अवेयर ऑफ समथिंग यू नो अबाउट इट, जब आप ऐसी चीज़ के बारे में जानते हैं जिसके बारे में आपको पता हो तो उसको बोलते हैं दोस्तों अवेयर। जैसे कि एग्जांपल दोस्तों आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द रिंगिंग फोन, मुझे नहीं पता था कि मेरा मोबाइल बज रहा था, यानी बजने की मुझे नहीं पता था। नेक्स्ट है दोस्तों बैडली मीन्स होता है दोस्तों बैडली मीन्स इन अ सीवियर ऑफ हार्मफुल अवे, यानी कि बुरी तरह से मतलब गंभीर यानी कि हानिकारक तरीके से, उसको बोलते हैं बैडली। एग्जांपल है He hurt his arm badly playing with friend. दोस्तों के साथ खेलते समय उसके हाथ गंभीर तरह से चोटिल हो गए। नेक्स्ट दोस्तों ब्लॉग। ब्लॉग मीन्स होता है इफ समथिंग इन ब्लॉगिंग टू यू यू ऑन इट, यानी कि इफ समथिंग अगर कोई चीज़ आपकी है तो आप उसके मालिक हो। जैसे कि द ब्लू सूट बिलोंग टू पॉल, नीला सूट पॉल का है। नेक्स्ट दोस्तों कंटिन्यू होता है दोस्तों टू कंटिन्यू समथिंग इज टू कीप डूइंग इट, यानी कि कुछ जारी रखना करना या जारी रखना किसी चीज़ को जारी रखना उसको बोलते हैं कंटिन्यू। सी स्टूड अंडर हर अम्ब्रेला एज द रेन कंटिन्यूज टू फॉल, उसकी छाता छाया या मैं ऐसे आई स्थान बारिश के रूप में गिरने जारी रही थी, यानी कि मैं गिरी जा रही थी। द स्टूड अंडर द अम्ब्रेला, मैं अम्ब्रेला के नीचे खड़ी हुई थी और रेन कंटिन्यूस फॉल माने कि रेन कंटिन्यूस गिर रही थी। इन एरर मीन्स होता दोस्तों इज समथिंग यू डू रॉन्ग, यानी कि कुछ गलती करना, कुछ ऐसा करना जो कि आप गलत करते हो। एग्जाम्पल आई मेड ऑन एरर ऑन माई रिपोर्ट सो माई बॉस वॉज एंग्री, मेरे बॉस एंग्री हुए। मैंने अपनी रिपोर्ट में गलती की थी जिससे मेरे बॉस नाराज़ थे। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सपीरियंस मीन्स होता है एक्सपीरियंस इज समथिंग यू हैव सीन अ और डन, यानी कि अनुभव कुछ ऐसा है जिससे आपने देखा था या कोई चीज़ का अनुभव लिया होगा उसको दोस्तों एक्सपीरियंस बोलते हैं। जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग वॉज अ फन एक्सपीरियंस, पहाड़ पर चढ़ना एक मज़ेदार अनुभव है। नेक्स्ट है दोस्तों फील्ड।
फील्ड, फील्ड मीन्स होता है दोस्तों खेत। अ फील्ड इज बिग एरिया ऑफ लैंड, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जो कि भूमि का एक बड़ा क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं दोस्तों फील्ड। इसके द फील्ड ऑफ फ्लोवर लुक्ड सो प्रीटी, फील्ड ऑफ फ्लोवर, फ्लोवरों का फील्ड दिख रहा था या दिखाई दिया, सो प्रीटी यानी कि बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट है दोस्तों हर्ट, हर्ट, हर्ट मीन्स होता है दोस्तों टू हर्ट इज टू डन समथिंग दैट मेक यू फील पेन, यानी कि हर्ट मीन्स इंजर्ड, इस माने है टू डू समथिंग माने कुछ ऐसा जो कि बनाता है हमें फील पेन, यानी कि पेन भरा हुआ बनाता है, पेन महसूस करना या कोई पेन चीज़ वो करना उसको बोलते हैं हर्ट। सी हर्ट हर, उस वह उसकी लेग हर्ट थी यानी कि चोटिल थी, चोटिल बोलते हैं तो चोटल, चोटल हर्ट, चोटिल थी उसकी जो पैर था वो चोटल हुआ, फॉलिंग डाउन इन स्टेयर माने स्टेयर से गिरने के बाद। नेक्स्ट है दोस्तों जजमेंट, जजमेंट मीन्स होता है जजमेंट इज समथिंग अवेल टू योर अपॉइंटमेंट ऑफ डिसीजन, यानी कि डिसाइड करना या डिसीजन होना, जजमेंट मीन्स यानी निर्णय होना, निर्णय। जजमेंट इज द अबिलिटी, यानी कि जजमेंट एक अबिलिटी यानी योग्यता, फ्रॉम जहाँ से ओपिनियन मिलती है यानी कि सलाह मिलती है डिसीजन की, उसको बोलते हैं जजमेंट, किसी का जजमेंट हो जाना। द इट इज़ गुड जजमेंट टू रिसाइकिल योर एलुमिनियम कॉन्स, यानी कि एक अच्छा जजमेंट टू रिसाइकिल योर एलुमिनियम ऑफ कॉइन। नेक्स्ट है दोस्तों लाइकली, लाइकली मीन्स होता है संभावना, लाइकली टू, जैसे कि इफ़ समथिंग लाइकली हैपन यानी कि कोई होने की संभावना, इट वेल प्रोबली हैपन यानी कि होना, आई विल लाइकली स्टे, मुझे यहाँ रुकने की संभावना है, होम एंड वॉच द टीवी, और मैं टू नाइट टीवी देखूंगा। दोस्तों ऐसे ही